परमवीर चक्र। पेश हैं फोर ग्रेनेडियर्स के कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद की जिंदगी की चंद झलकियां। हमार वास्ते बिटवा लाए रहन, पलटनिया में हैं, छुट्टी पे आए हैं। अरे अरे कलुआ, अरे कलुआ, अरे कलुए, वाह वाह वाह। अब हमारे लिए तो रहिए वही कलुआ जिसका हम शिवाजी बनके तख्ती से मार मार के भूकस बनाए दिया। तो हम कौन सा भूल गए हैं। वाह वाह, कहो कैसा लगता है पलटनिया में। पलटनिया का तो बात ही निराला है, जितना चाहे खाओ, मौज करो और परेड करो। हाँ। और जब से आजादी आई है तब से सिविलियन लोगों में हम जवान का इज्जत बहुत बढ़ गया। अच्छा? अभी पिछले दिनों प्राइम मिनिस्टर आए रहे जवाहरलाल नेहरू, हमार इतना तारीफ कीन कि पूछो मत। जवाहरलाल नेहरू? हाँ। अरे हमीदवा, ई कपड़ा थामो, पजामा सीधो, ई का नाप तो है ही तुम्हारे पास। ई का की हमीदवा, लाठी छोड़कर सुई धागा थाम लिया हाथ में। ये तो खानदानी पैसा है भाई। ई मशीन नहीं, मशीन गन चलावा, फौज में इज्जत कमाओ। सो चलो, हम जाए थे हमीदवा। तुहार ध्यान कहाँ है? का हुआ? सत्यानाश कह के हमसे पूछत है का हुआ, का हुआ? बाबा ये सिलाई कटाई में हमार मन नहीं लागत है। बैठे बैठे सिलाई नहीं करबे तो अवर का करबे? बाबा हम पलटनिया में जात। का? अरे ओ हमीदवा की अम्मा, अरे ओ हमीदवा की अम्मा, तनी सुने हो? का है इतना हबराए काहे हो? का बताई, तोहार करेजे के टुकड़ा हमीदवा हमसे कहा तो पलटनिया में जाबे। पलटनिया मा? हम तो कहते हैं ई बैल के नाक में नकेल डाल दो, नहीं तो जिधर मुँह उठे उधर चल दिए। का मतलब? हम कहते हैं हमीदवा का घर बसाई दो, हम तो लड़की भी देख आए हैं हमीदवा को खुश रखने वाले। 1000 मेहर के एवज अब्दुल हमीद इब्ने उस्मान अली से निकाह कबूल है? कबूल है।
कबूल है? कबूल है। कबूल है? कबूल है। निकाह कबूल है? कबूल है। कबूल है? कबूल है। कबूल है? कबूल है। बुजुर्गों से सुना है कि जब दो जनों में शादी का बंधन बन जात है तो बेजा शर्म का बंधन टूट जात है। अच्छा, ये का मतलब ये हुआ कि हम तो का पसंद नहीं है? हाँ? अच्छा, ये तो बतावा कि तो का कौन सा मर्द पसंद है? डाक खाने में पोस्टमैन हो यू? रेलवाई का नौकर हो यू? हलवाई बन जाए ऊ पसंद है? अच्छा, अगर हम ऐसा कौनो काम करी कि जवाहरलाल नेहरू भी हमार तारीफ करी? हाँ, समझ गया, पलटन में जाए ऊ। काहे काहे पलटनिया काहे नहीं? हाँ? अच्छा अच्छा, समझ गया, पलटनिया में जाने वाले की जोरू अकेली रह जाते हैं ना, पर हम तो का अकेला छोड़कर नहीं जा। सूरमा बेटा पैदा हो जाए तब जा। पापा जागत है। सब सोई गए? तुहार अखियां बहुत खूबसूरत हैं। अंधेरे में भी दिखा थे का? अंधेरे को चमका दिए थे। हमिदवा के शादी की है कई बरस बीत गए, एकर काम काज करे में तनिको मन नहीं लागत बा। ई सिलाई कटाई सारा काम हम ही के करे के बा। घबरात काहे हो? अब वो पलटनिया माना जाई, वो तो बच्चों के बाप हुई गवा है ना। कब तक मुंह फूला रही? कौनो काम में हमारा मन नहीं लागत, गांव में का करी? खेत में भैसन चराओ, दुकान में सिलाई की मशीन चलाओ, बच्चे पैदा करके मुल्क की आबादी बढ़ाओ। उम्र निकलता जा रहा है ससुरा, हम कुछ जिंदगी में करना चाहते हैं। का करना चाहते हो? पता नहीं, पर हम कुछ करके दिखाना चाहते हैं। हमका यकीन है हम कुछ करके दिखा सकते हैं। हमने कब रोका है पलटनिया में जाने से? हाँ, पर अम्मा अब्बा तो कोई ना कोई अड़ंगा डाल देते हैं ना। जाना ही चाहते हो तो कोनो बहाना करके चले जाओ, हम कोनो से न बताओ। अरे वाह, अरे वाह, रसूलन जवाब नहीं तेरा, रसूलन जवाब नहीं तेरा। तूने तो वो नुस्खा बता दिया जो हमारे दिमाग में कभी नहीं आया था। रसूलन जवाब नहीं तेरा। अच्छा सुन, हमार जाने से तुझे दुख तो नहीं होगा ना? तुहार खुशी हमार खुशी। 1962 में चीन ने हमला कर दिया और अब्दुल हमीद की रेजिमेंट को सरहद की हिफाजत के लिए भेजा गया। चीनियों ने जबरदस्त घेरा डाल दिया था। कई जवान घेरे से निकल न सके, चंद जवान बचकर
निकल आए। रास्ता नहीं है और चले जा रहे हैं। रास्ता तो उस तरफ था, वो चीनियों ने बंद कर दिया। इधर ही कहीं वो सिख रेजिमेंट भी थी ना, एक प्लाटून जोगिंदर सिंह कमांड कर रहे थे सुना था। वो तो खत्म हो गई होगी। एक दूसरा रास्ता भी है पहाड़ के उस पार, लेकिन 10-15 दिन तक पैदल चलना पड़ेगा। भटक भी सकते हैं। पूछे नहीं। रूप सिंह नीचा नीचा आओ रूप सिंह। कलुआ संभल के, कलुआ। ये क्या किया तूने कलुए? अगर मैं गांव वापस पहुंच गया तो तेरी मां को क्या मुंह दिखाऊंगा? एक लंबा जानलेवा सफर शुरू हो गया। रास्ता भटकता हुआ अब्दुल हमीद लड़खड़ाता हुआ चलता रहा, चलता ही रहा कई दिन और कई रात। कई रात और कई दिन। ना ये वीरानों का सुनसान सफर खत्म होता था, न जान ही निकलती थी, न उम्मीद ही मरती थी। और आखिर एक दिन झंडा नजर आया। पहले तो बहुत सारे जख्मी जवान आते रहे हैं, सबको भेज दिया इलाज के लिए एटीएस। आज तो अभी तक सिर्फ दो ही पहुंचे हैं। सर एक वो आ रहा है, वो देखिए। स्ट्रेचर लो। घबराओ मत, इस इंजेक्शन से तुम्हें जल्दी नींद आ जाएगी। दुश्मन आगे बढ़ रहा आगे। अरे लड़ाई तो बंद हो चुकी, 8 दिन हो गए, तुम कब से चल रहे हो? याद नहीं। महीने भर में ठीक होके अपनी रेजिमेंट भी पहुंच जाओगे, 2 दिन के लिए अपने घर भी हो आना। सुन रहे हो ना?
दो दिन के लिए अपने घर भी हो आना। तैयार हुई गवाह? हीला बचपन का पैजामा। अच्छा, हीला सूरन का कुर्ता ठीक बाने? हाँ ठीक भा बाबा, बहुत अच्छा है। अरे हमीदवा तू आई गये? ओ हमीदवा की अम्मा, अरे हमार मुन्नवा आई गया। अरे हमार बेटवा आवी गवा, हमार बेटवा आई गया, हमार बेटवा आई गया। अरे 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 अरे, कितना लंबा हो गया तू। ये लो, ये तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, ये लो तुम्हारे लिए, पकड़ो उसको। और ये तुम दोनों के लिए, आपस में बांटना, झगड़ा नहीं करना। हाँ, और ये आपके लिए। और ये तुम्हारी अम्मा के लिए, अच्छा है ना। जाओ दे दो अम्मा को। वहाँ हम तुहार बारे में बहुत सोचते रहे। हमका याद किया? तुमका यकीन नहीं? का याद किया? अच्छा जरा वो बुंदे पहन के दिखाओ। ये बखत रात मा कल पहनेंगे, अभी सो जाओ। बच्चे जागत है, कहा सोचेंगे। लो सब सो गए। तुम्हारी आँखियाँ अब भी बहुत अच्छी लागत। अंधेरे में आज हम अम्मा की कमीज सी कर देंगे। जब तुम लड़ाई में थे, ई गुलूबंद हम तुहार वास्ते मेला में खरीदा, पसंद है? हाँ, बहुत बढ़िया है। अरे हमें दुआ भैया आ गए। सलाम चाचा। का देख के हमारी तबीयत खुश हुई। अरे हमीद भाई कैसे हो यार? अरे बहुत दिन बाद मिले भैया, करेजा जुड़ाई गया। एक बात तो बताओ यार, बल्टनिया में खाने को नहीं मिला था, इतना जुड़ाई गए हो? हमीदवा बिटवा, हमार का फौज से चिट्ठी आई रही कि कलवा अभी तक लापता है, तो के कुछ खबर है? कलुआ हमार साथ ही था, बहुत बहादुरी से लड़ा, बहुत दुश्मन मारा, पर दुश्मन आता ही गया, जितना मारा उतना ही और आता गया, और आता गया। एक गोली हमारे साथी जवान को जख्मी कर गई, कलुआ उसको बचाने को बढ़ा, और जवान को तो बचा लिया, लेकिन कलुए को गोली लग गई। चाहता है, इसी वास्ते हम लड़ाई की बात नहीं करते हैं, इसी वास्ते लड़ाई की बात नहीं करते हैं हम। वो कलुआ वहां मर गया, हम बचा भी नहीं सके उसको, बड़ी शेकी मारते थे हम, ये करेंगे वो करेंगे, क्या किया हमने, हार के मार खाए के लौट आए वहां से। देखो तो, देखो तो,
कैसे लगे थे झुमके? खूबसूरत लागत। बहुत रात हो गई, चला अब सोई जा। नींद ही नहीं आ रही, का करी? तो एक रात और रुक जा, थोड़ा आराम कर ले। अरे हमार छुट्टी खत्म हो ही गई, सवेरे अजान होते ही हमको जाना है। पलटनिया में जाए के देख लिया, अब पलटनिया छोड़ो और यहीं रुक जाओ। क्या कह रही है तू? हैं? ये तूने क्या कह दिया? पलटनिया छोड़ दे? ऐसे वक्त में पलटनिया छोड़ दे? ये अब्दुल हमीद की बीवी बोल रही है, गद्दारी करे पलटनिया से और दुनिया क्या सोचे हमारे बारे में? अरे हम खुद अपने बारे में क्या सोचेंगे? ऐसा नहीं बोलना फिर कभी, तो हमका गद्दार बनाएगी। बोल। रसूलन, रसूलन, अगर तुम सोए हो तो खुदा हाफिज, और अगर जाग रही हो तो इतना सुन लो, ये दुनिया में हम दो ही चीज का प्यार किए हैं, एक तुमका और एक पलटनिया का, और जब तक जान में जान है हम दोनों ही के साथ निभाएंगे। निगाहें मिला कर मुझे जिंदगी दे, निगाहें मिला कर मुझे जिंदगी दे, निगाहें चुरा कर मुझे मार डाला। निकल आए हम तेरे कूचे से लेकिन, निकल आए हम तेरे कूचे से लेकिन, बड़ी मुश्किलों से, बड़ी मुश्किलों से अजी दिल संभाला। कभी दिल को तेरा चमन खींचता था, कभी दिल को मेरा वतन खींचता था, कभी दिल को तेरा चमन खींचता था, कभी दिल को मेरा वतन खींचता था, मेरे शौक की इंतहा कुछ न पूछो, इसे भी संभाला, उसे भी संभाला। बड़ी सख्त वो फैसले की घड़ी थी, कजा सामने जैसे आके खड़ी थी, कजा यानी मौत, बस एक पल में दी जान, आशिक ने तेरे न सोचा न समझा, न देखा न भाला,
न सोचा न समझा न देखा न वाला, बस एक पल में दी जान आशिक ने तेरे, न सोचा न समझा न देखा न भाला, निगाहें मिला कर। 1965 में पाकिस्तान ने हमला कर दिया और अब्दुल हमीद जवाबी हमले में मोर्चा फतह करने के लिए निकला। सामने दाएं हरकत, 100 ऊपर, 1 साला। दुश्मन के कई टैंक जलकर बर्बाद हो गए। आखिर दुश्मन के टैंकों ने रुख बदला और वापस चल पड़े। सूरज डूबने तक हमले की कमर टूट चुकी थी। हेलो ऑल स्टेशंस, हमारे लिए शर्म की बात है
कि कल एक आरसीएल जीप ने हमारे टैंक बर्बाद करके हमारा हमला नाकामयाब कर दिया। आज उस जीप को तहस नहस करके फतेह के लिए आगे बढ़ना है। रेडी फॉर अटैक, अटैक नाउ आउट। दुश्मन की कमबख्त वही आती है, इस जीप को उड़ा दो।
बहादुरी की हदों से आगे पहुंचकर जान कुर्बान करने के लिए अब्दुल हमीद को परमवीर चक्र प्रदान किया गया। हमेशा चमन।